वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, बिजनेस स्टैटिक्स में अब हम आ चुके हैं एडिशन थ्योरम पे। तो बेसिकली एडिशन थ्योरम को समझने के बाद हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी समझेंगे और साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि एडिशन थ्योरम में एडिशन क्यों होता है और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में मल्टीप्लाई क्यों होता है। पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम थ्योरम को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चे, एक छोटे से एग्जाम्पल से चीज़ों को आप समझिए। लाइक आपके पास में पानी की बॉटल है, आपके पास में 3 बॉटल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के बॉटल्स हैं आपके पास में। इससे इसको समझिए आप। और चलिए आपको ऐसा करते हैं, आपके सामने 4 बॉटल रख देते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर में, और 3 टिफिन बॉक्स रख देते हैं। क्लियर है बच्चे? एक, समझ रहे हैं, ड्राइंग पे मत जाइएगा। 2, तीन यहां पर आपके पास में, अच्छा हाँ, 3 आपके पास में टिफिन बॉक्स रखा है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, इनमें से बॉटल आपके, आप स्कूल जा रहे हैं, इनमें से या तो आप बॉटल ले लें या तो कोई एक टिफिन बॉक्स ले लें। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई एक चीज़ लेना है, बॉटल ले लो या फिर टिफ़िन बॉक्स ले लो, कोई एक ही चीज़ लेकर जाना है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की? तो आप कहोगे सर बॉटल में से, इनमें से कोई सा भी बॉटल पिक कर सकते हैं, तो 4 ये पॉसिबिलिटीज़ है, और या तो फिर कोई टिफ़िन ले लें, तो टिफ़िन के ये इनमें से कोई भी एक पिक कर सकते हैं, जिसके तीन में से कोई भी एक चांसेस है। तो टोटल आपके पास में जो फेवरेबल आउटकम्स आ सकते हैं वो 7 आ सकते हैं। तो ये आपने ऐड किया ना बच्चे, जब वर्ड क्या आ जाए, इनमें से एक, जिसके लिए आइदर और ऐसे वर्ड यूज होंगे। और अगर मैं आपसे बोलता कि आपको एक बॉटल के साथ साथ में एक टिफ़िन बॉक्स भी लेकर के जाना है, अगर मैं आपसे ये बोलता एक बॉटल के साथ साथ में टिफ़िन बॉक्स भी लेके जाना है, एंड 1 बॉटल एंड 1 टिफ़िन बॉक्स, एंड वर्ड आ रहा है, एंड वर्ड आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, ये आप ले सकते थे, ये भी आपका पॉसिबिलिटीज थे, चांसेस इसके भी हैं, 3 चांसेस नज़र आए। उसके अलावा ये देखो, 3 चांसेस इसके साथ में, ये इसके साथ में ये ले सकते थे, या ग्रीन के साथ में ऑरेंज, रेड एंड ब्लू, 3 ये चांसेस हो सकते थे, और या फिर पिंक के साथ में आपका ऑरेंज और आपका रेड एंड, तो 3 चांसेस ये। तो टोटल मिला करके ऊपर कितने आपके पास में 4 बॉटल्स हैं, नीचे कितने आपके पास में 3 टिफिन है। तो अगर ये एंड दिस एंड वर्ड आ जाए तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई हो जाती है। तो पता लगा आपको एडिशन कब करना होगा, मल्टीप्लाई कब करना होगा। मैं क्वेश्चन से क्लैरिटी और लेकर के आता हूँ, जरा सामने देखें क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बच्चे, फ्रॉम अ वेल सेफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज द आइदर अ हार्ट और अ क्वीन। तो वर्ड आ रहा है आइदर और, तो इसका मतलब है यह आपका एडिशन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर आप करते हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल वही आपका जो बेसिक फॉर्मूला लिखोगे आप, फेवरेबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी चैप्टर की खास बात है ये है कि इसमें कम से कम टाइम लगेगा और मैक्सिमम मार्क्स आप इस पर स्कोर कर लेंगे। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपका ये है कि आइदर अ हार्ट और अ क्वीन, आइदर अ हर्ट और अ क्वीन। क्लियर है बच्चे? तो फेवरेबल आउटकम अब आइदर अ हर्ट और क्वीन, तो पहले ये दोनों में है चांसेस क्या, या तो आप इसमें से क्या कर रहे हैं, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज द आइदर अ हर्ट एंड क्वीन। तो आप कितने कार्ड, अ कार्ड, एक कार्ड निकाल रहे हैं, क्या चांसेस है कि वो हर्ट हो या फिर वो क्वीन का निकल जाए, इससे क्या चांसेस है हर्ट हो या क्वीन का हो। तो फिर आप यहां पर फेवरेबल आउटकम ऑफ हर्ट अगर लेते हैं, फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट
हर्ट, तो हर्ट कितने होंगे बच्चे, 13 होते हैं, ठीक है। और फेवरेबल आउटकम अगर आप लेते हैं, फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट अगर आप लेते हैं, इसमें क्वीन तो क्वीन कितने होंगे इनमें से आपके, इनमें क्वीन 4 होंगे जो चांसेस होंगे एक कार्ड, क्योंकि एक ले रहे हो ना, कॉम्बिनेशन कब लेता है जब एक से ज्यादा चीजों को आप एक साथ मुट्ठी भर के निकालते हो, तब कॉम्बिनेशन लगता है, समझ में आया, एक ही कार्ड ले रहे हो तो आपके पास में चांसेस कितने हो गए यहां पे, 17 हो चुके। और टोटल आउटकम्स, टोटल टोटल आउटकम्स आपके पास में बच्चे यहां पे आ जाएंगे 17/52, ठीक है। फिफ्टी टू कार्ड्स हैं आपके पास में, कोई डाउट? हेलो, लेकिन बच्चे इसमें एक चीज का और थोड़ा ध्यान रखो कि जब आपने 13 हर्ट लिया था, तो हर किसी के 13 हर्ट हो, स्पेड हो, डायमंड हो, सब में एक क्वीन तो होता ही है, तो इस पर क्वीन ऑलरेडी आ चुकी थी, यहाँ पे 4 नहीं लेना था आपको, यहाँ पे 3 लेना था क्योंकि एक क्वीन ऑलरेडी आ चुकी है, तो कर लो कोई बात नहीं 4/17। बट दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या तो आप ही लिख लो, फोर 17 दोनों में एक चीज कॉमन है, एक कार्ड, तो क्या है आपका 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 16/52, क्योंकि आपके पास में एक प्रोबेबिलिटी है 13/52 प्लस 4/52 माइनस, दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है 1/52, तो क्या आएगा 16/52, सॉल्व करेंगे 4 × 16 दिस वन 16/52, ठीक है बच्चे। चार चौक 16, 4 × 4 = 12, ये इसका आंसर है। तो इस बात का ध्यान रखना है, एक चीज यहाँ पे नई बात समझ में आएगी, एक दोनों में कॉमन है, क्वीन लिया तो उसमें भी एक आपने हर्ट लिया था तो उसमें एक क्वीन आ गया था ऑलरेडी, तो क्वीन को 4 × 1 = 5 क्वीन थोड़ी होंगी, तो एक माइनस करना पड़ेगा आपको। इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग आइदर अ सम ऑफ 9 और सम ऑफ 11, तो सम ऑफ 9 कब कब पॉसिबल आएगा, सम ऑफ 9 दो डाइस में, एक के साथ में तो ले लो 6 तक नहीं आएगा, दो के साथ में ले लो 6-8 नहीं आएगा, 3 के साथ में लोगे तो 3-6, एक ये और इसकी पॉसिबिलिटीज 2 है, 2 ही फैक्टोरियल, मतलब कि 2 ही रहेंगे। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग आइदर अ सम ऑफ 9, एक तो 3, एक 4 के साथ में बनेगा, और एक 5 के साथ में बना दिया, 6 के साथ में बना दिया, 4 तो यहां पर आ गए और 11 और अ सम ऑफ 11, 11 किससे बनेगा, 4 के साथ में 6 ले लेंगे 10 ही रहेगा, 5 और 6 6 और 5 2 यहां हो गए,
तो सिक्स पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जहाँ पर या तो सम आपका नाइन बनेगा, आइदर आपका इलेवन बनेगा।